नुस्खे को बनाने के लिए आपको यहाँ पे चाहिए लौंग का पानी। लौंग का पानी बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ लौंग डाल रखी है और लौंग को डाल करके कम से कम आपको 2 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। लौंग आपकी अच्छे से सोख हो जानी चाहिए, फुल जानी चाहिए, ये अपने साइज से डबल हो जानी चाहिए, तब आप समझ जाइए आपका जो लौंग का पानी है वो रेडी हो गया है। तो मैंने यहाँ पे हाफ ग्लास लिया है पानी और उसमें कम से कम 5 से 6 लौंग मैंने ऐड कर रखी है और इसमें पानी डाल के 2 दिन के लिए छोड़ दिया था और ये लौंग का पानी हमारा रेडी हो गया है। तो ये फुल ऑफ गुडनेस है हमारा लौंग का पानी। लौंग जो कि तासीर में होती है गर्म, ये हमारे बालों के लिए स्ट्रेंथ का काम करती है, ये बालों की जड़ों को मजबूत बनाती है, स्कैल्प को मजबूत बनाती है, बालों को सफ़ेद होने से बचाती है और आपके बालों को हेल्दी बना के उन्हें सॉफ्ट शाइनी घना बनाती है। तो दोस्तों इसे हमें कैसे इस्तेमाल करना है, इस लौंग के पानी को हमें कौन सी चीज़ इसमें ऐड करनी है और उसके बाद हमें इस्तेमाल करना है। सो चलिए बढ़ते हैं आगे स्टेप की तरफ। इस हेयर पैक को बनाने के लिए आपको लेना है यहाँ पे साफ सुथरा एक क्लीन एंड ड्राई बोल एंड सबसे पहले इसमें ऐड करना है आपको बेसन। आज मैं जो नुस्खा आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों, ये आपने पहले कभी नहीं देखा होगा यूट्यूब पे, सो आपके साथ फर्स्ट टाइम मैं इसको शेयर कर रही हूँ और इसे इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा बिकॉज मैं इसे एवरी वीक इस्तेमाल करती हूँ अपने बालों में। तो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं बेसन। तो बेसन क्या काम करता है दोस्तों, बेसन आपके ऑयली स्कैल्प को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि अगर आपके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा ऑयल है और स्कैल्प जो है बालों की वो बहुत चिपचिप रहती है तो इसके लिए आप बेसन का इस्तेमाल करेंगी। तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं यहाँ पे ऐड करना है बेसन, बेसन की क्वांटिटी आपको कम ही रखनी है, 1/2 चम्मच के करीब आपको यहाँ पे बेसन ऐड करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऐड करना है चारकोल पाउडर। चारकोल पाउडर आप अब मार्केट से भी ले सकते हैं, ये एक टिकिया के तौर पे क्यूब से या फिर स्टोन के तौर पे बहुत ही इजीली मिल जाएगी, इसका पाउडर भी मिल जाता है। मैंने इसे लिया है पर्पल से चारकोल पाउडर, आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं या फिर अपने नियरेस्ट शॉप से भी ले सकते हैं। चारकोल पाउडर आपके स्कैल्प को डिटॉक्सिफाई करता है, आपके वाइट हेयर को ब्लैक करता है और आपके बालों की जड़ों में पिगमेंट को बूस्ट करता है, यानी कि मेलानिन को बढ़ाता है। तो सेम क्वांटिटी में आपको यहाँ पे लेना है चारकोल पाउडर। थर्ड नंबर पे हम लेंगे यहाँ पे जेल। तो जेल ऑप्शन है, अगर आपको नहीं यूज़ करना तो आप मत यूज़ कीजिए, लेकिन हम बना रहे हैं हेयर मास्क तो इसके लिए एक मास्क की जो कंसिस्टेंसी है वो हमें जेल से मिलेगी, तो हम यहाँ पे जेल यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ क्यूकम्बर जेल, आप चाहें तो यहाँ पे एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई अनदर जेल आप इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे आपको लेना है क्यूकम्बर जेल एंड लास्ट में आपको यहाँ पे ऐड करना है लौंग का पानी जो कि स्टार्टिंग में हमने बना के रखा हुआ है। सो सबसे पहले हम पैक को अच्छे से मिक्स करेंगे, अगर आपका पैक बहुत थिक होता है तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं लौंग का पानी। गाइस ये पैक अभी ठीक है तो हम यहां थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गया है, इसमें और अनदर पानी हमें ऐड नहीं करना है, मिक्स नहीं करना है, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा लिक्विड हो जाएगा तो आपके बालों में अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों इसे अप्लाई कर लेते हैं अपने हेयर में। सो दोस्तों यहाँ पे पैक देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है, इसका टेक्सचर, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल परफेक्ट है बालों में अप्लाई करने के लिए।
इसे बालों में अप्लाई करने से पहले सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लें और आपके बाल ऑयली नहीं होने चाहिए, यानी कि आपके बाल बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए, वॉश किए होने चाहिए। उसके बाद ही आपको इसे अप्लाई कर लेना है अपने हेयर पे। आप इसे अपने जड़ में, स्कैल्प में, रूट में और अपने बालों में, दोनों ही जगह इसे अप्लाई करना है। इस हेयर मास्क को, इस हेयर पैक को आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। सो गाइज, इसे अप्लाई करना है हमें हफ्ते में एक बार, और इस पैक को बना करके आपको स्टोर नहीं करना है, रखना नहीं है, फ्रेश बनाइए और फ्रेश ही आपको इस्तेमाल करना है। जब भी आप अपने हेयर को वॉश करने जा रहे हो उसके 3 घंटे पहले आपको इसे लगाना है और आधे घंटे इसे लगा करके छोड़ देना है एंड उसके बाद वॉश कर लेना है पानी से एंड लास्ट आपको शैम्पू से यहाँ पे वॉश कर लेना है। कोशिश कीजिए जो आप शैम्पू यूज़ करते हैं वो आपका हर्बल हो, नेचुरल हो, पैराबीन एंड सल्फेट फ्री हो तो ज़्यादा बेटर है। मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है इसे अपने बालों में अच्छे तरीके से। आपको सिर्फ इसे हाफ आवर, आधे घंटे तक रखना है एंड इसके बाद आपको वॉश कर लेना है। सो गाइज, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। चलिए फिर से मिलते हैं एक अनदर इसी तरीके की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।